हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जहां एक से बढ़कर एक योद्धा पैदा हुए और अपनी देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। आज मैं आपको ऐसे ही महापुरुष की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम था तानाजी मालुसरे, जो मराठा साम्राज्य में एक वीर योद्धा थे जिन्होंने शिवाजी महाराज के साथ मिलकर काफी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध भी किया। तानाजी का जन्म सन 1600 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोकड़ प्रांत के पास एक मराठा परिवार में हुआ था। तानाजी को बचपन से ही तलवारों के साथ खेलने का शौक था, इसी कारण उनकी मित्रता शिवाजी से हो गई। आगे चलकर शिवाजी ने तानाजी को अपनी सेना का सेनापति और मराठा साम्राज्य का मुख्य सूबेदार बना दिया। सन 1649 ईस्वी में पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। शाहजी महाराज को मुगलों की कैद से छुड़ाने के लिए शिवाजी महाराज को कौंडाना किला मुगल शासक आदिल शाह को देना पड़ा, परंतु शिवाजी यह किला किसी भी कीमत पर मराठा राज्य में पुनः शामिल करना चाहते थे। कौंडाना किले को अब मुगलों से मुक्त कराना मराठा साम्राज्य की इज्जत की बात हो गई थी। तानाजी को जब मराठा साम्राज्य का संदेश मिला कि माता जीजाबाई ने प्रतिज्ञा की है जब तक कौंडाना पर मुसलमानों के हरे झंडे को हटाकर भगवा ध्वज नहीं फहराया जाता तब तक वे अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगी, तानाजी कसम खाते हैं कि अब इस किले को आजाद करना ही उनका उद्देश्य है। कौंडाना किला 5000 मुगल सैनिकों द्वारा हमेशा सुरक्षित रहता था, जिसकी कमान उदयभान राठौर के हाथों में थी। उदयभान पहले एक हिंदू था, लेकिन अपने स्वार्थ के चलते वो मुस्लिम हो गया था। उदयभान ने इस किले की सुरक्षा के लिए 5000 मुगल सैनिक इसके चारों तरफ तैनात कर रखे थे, लेकिन किले का एक असुरक्षित हिस्सा भी था जो एक ऊंची चट्टान के शीर्ष पर था। युद्ध के समय तानाजी ये निश्चय करते हैं कि वह इन चट्टानों पर घोपड़ की सहायता से चढ़कर किले के अंदर प्रवेश करेंगे। घोपड़ लकड़ी और रस्सी से बनी होती है, ये छिपकली की तरह दीवार से चिपक जाती थी और चट्टानों पर चढ़ने में मदद करती। इसकी मदद से कई सैनिक एक ही बारी में चट्टान पर चढ़ जाते थे। युद्ध की रात अंधेरे में तानाजी और उनके 300 साथी भी इसी घोपड़ की मदद से चट्टानों पर चढ़ गए और हमले से पूरी तरह अनजान मुगलों पर हमला कर दिया। दोस्तों, एक भयंकर युद्ध के बाद उदयभान ने तानाजी की हत्या कर दी, लेकिन थोड़ी देर में ही उनके मामा के हाथों उदयभान भी मारा गया और सूर्य उदय होते होते कौंडाना किले पर भगवा ध्वज फहरा दिया गया। इस युद्ध में तानाजी का एक महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए शिवाजी महाराज ने कौंडाना का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में कई जगह तानाजी की स्मारकों की स्थापना भी की गई।